ज़्यादा मसला होता है जैन का लीकेज का, तो इसको जो हम जैन यूज़ कर रहे हैं ना, वो जो टोयोटा कंपनी की गाड़ियों की कंपनी बना रही है ना जैन, ये उससे बनवाए हुए जैन इसकी लीकेज के लिए, जो आर्टिफिशियल गियर बनाया हुआ है उसके ऊपर इसकी रनिंग पूरी करके भेजते हैं। किसी का भी रोटावेटर ये देखे ऐसे मूव नहीं करेगा, मैं इसको हाथ से भी मूव कर सकता हूँ, इतना सॉफ्ट गियर रोटावेटर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि कोई नहीं इतनी मेहनत करेगा, ये लूज नहीं होने वाला अपने आप, ठीक है, और एक भी फाला आपका खुल के नहीं घूमेगा। रोटावेटर में सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि इनके फाले बड़े खुल के घूमते हैं, स्टैंड खुल के नहीं घूमेगा जी। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉफर जो थी ना वो खुल के गिर जाती थी, उसके लिए लाख काबले लगा दी है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक्टर की जो शॉफर थी ना वो भी गिर जाती थी पीछे से, उसके लिए हमने ये पीछे से ना यहाँ से थोड़ा सा बन्ना मिट्टी का छोड़ देता था, तो हमने ये देखे एक्स्ट्रा एक पीस लगा दिया है, ठीक है। जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आती गई है ना, तो हम इसका काम करते गए। स्प्रिंग जो है ना ये कॉम्पैक्ट करते हैं मिट्टी को बहुत अच्छी तरह, 25,000 का फर्क आ जाता है। वजन के हिसाब से इनकी प्राइस है या वैसे फिक्स प्राइस? वजन के हिसाब इसकी सर 2,35,000, ऑर्डर डिस्क जो है ये 1,20,000। ये जोर बड़ा लेता है ट्रैक्टर का, वो हम बताया ना कि डिस्कें घूम पड़ती है, वो अपना काम बखूबी कर लेती है। 11 में है, 13 में है, 15 में है, 17 में, 18 तवे वाली है, 18 तवे डिस्क है। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी 6,20,000। आप इसको इधर आके देखेंगे ना तो सर ये ऐसे लगेगा जैसे मछली है। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में हनीफ फार्म इंडस्ट्रीज़ शोरूम पर। तो ये जी नया शोरूम ओपन हुआ है भाई मज़हर रसूल साहब का जी, शोरूम का आपको विज़िट करवाते हैं, जो चीज़ें अंदर ज़रिए हालात पड़े हुए हैं। तो भाई मज़हर रसूल के भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जी ट्रैक्टर 360 है जी, 4x4 है, मार्केट में ये कम ही नज़र आता है, तो ये इसका थोड़ा सा रिव्यू करवा दें कि ये खुद तैयार किया है कि या ये कंपनी से ऐसी? नहीं भाई, ये मिल्लत मेड है जी, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता लोकल में, तो मैंने ये एक्सपोर्ट के लिए बुक करवाए थे जी जी, जिसमें से एक ट्रैक्टर ये निकल आया सही, और बकाया 5 अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना मैं एक ही खड़ा हुआ है, तो फिर वो मुझे 5 मिल जाए तो नहीं, मार्केट में ये ट्रैक्टर बहुत कम नजर आता है, मेरा ख्याल जी ऑर्डर पर ही मिलता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना इसका रुझान नहीं है जी। आम जमींदार इसको ना लेता नहीं है यहाँ पर सही, तो अफ्रीका में कीनिया में इसका रुझान है जी जी, यहाँ लोग जो इसको समझते हैं सही, कि ये चीज़ जो है वो उनको डीजल की कंजप्शन के हिसाब से अच्छी है जी, तो वो इसको ले रहे हैं सही, इसलिए यहाँ पे रुझान इसका बहुत कम है। बाकी जी 4x4 ट्रैक्टर है, अगले टायर इसके जो कंपनी ने दिए हैं 7x50x20 उनका साइज़ है जी, अगले टायर इसके पिछले टायर जी इसको सर्विस के दिए हुए हैं और अच्छे टायर दिए हुए हैं जी सर्विस के, रुस्तम सर्विस। ये कंपनी लगा के दे रही है या? नहीं नहीं, ये कंपनी मेड है, ऑल टू ऑल इनका मिल्लत का ही है, ऑल टू ऑल। इसका साइज़ जी 14x28 है, फोर व्हीलर इन्होंने अब शुरू किया है इसमें, ठीक है जी। 360 में 360 है जी, बाकी ये आप इसका देख सकते हैं जो डीजल टैंक यहाँ पर इसका दिया हुआ है, तो इसके रिव्यूज पहले भी मौजूद हैं जी। बाकी जी इनके पास हर किस्म के ज़रई आलात दस्तियाब हैं जी। दूसरी साइड पर ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं 360 टर्बो मैसी फर्गसन, ये इसके ऊपर दिया हुआ स्टिकर, और ये टर्बो है जी 360 4x4। तो बाकी जी अंदर चलते हैं, ट्रैक्टर वही है जी जो पहले भी कंपनी ने दिया, कोई तब्दीली वगैरह नहीं है, 2023 मॉडल है। और इसको जी आप फ्रंट जो है इसका देख सकते हैं कि फ्रंट जो इसके लगाई हुई है जी किट वगैरह वो आप देख सकते हैं। बाकी जी ट्रैक्टर वही है जो पहले आपने देखा हुआ है, वही चीज़ जो है वो 2023 मॉडल है जी, ये 23 मॉडल है, 23 मॉडल है जी। बैक में ये जी आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा जी अंदर मेन चीज़ जो है वो अंदर आपको दिखाते हैं, जो ज़रई आलात इस वक्त हनीफ फार्म इंडस्ट्री शोरूम पर दस्तियाब है, बाकी वर्कशॉप इनकी दूसरी जगह पे है। और ये जी रोटावेटर है जी स्पेशल हनीफ फार्म इंडस्ट्री का। सर रोटावेटर में आपके क्या स्पेशल है जो मार्केट में रोटावेटर आ रहे हैं उनसे क्या डिफरेंट है? रोटावेटर में भाई जाना हमारे पास डिफरेंट ये है कि इसकी ज़्यादा मसला होता है जैन का लीकेज का, तो इसको जो हम जैन यूज़ कर रहे हैं ना वो जो टोयोटा कंपनी की गाड़ियों की कंपनी बना रही है ना जैन, हम उसके लिए ये उससे बनवाए हुए जैन इसकी लीकेज के लिए सही। ये फिल है इस टाइम ना,
इसके अंदर ऑयल पूरा है इसके अंदर भी, और इसका हमने जो आर्टिफिशियल गियर बनाया हुआ है उसके ऊपर इसकी रनिंग पूरी करके भेजते हैं। किसी का भी रोटावेटर ये देखे ऐसे मूव नहीं करे, मैं इसको हाथ से भी मूव कर सकता हूँ। ये देखे इतना सॉफ्ट गियर रोटावेटर में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि कोई नहीं इतनी मेहनत करेगा जितना सॉफ्ट गियर मैं बना रहा हूँ। और इसके जो काबले हैं ये लॉक नट है, ये यहाँ पे आके ना रबड़ का लॉक लगा हुआ है, बहुत लाइट वेट चलता है। ये देखें जो चीज़ पाँव से ऐसी हो रही है ट्रैक्टर को क्या प्रॉब्लम होगी, और इसकी एक्यूरेसी का अंदाजा यहीं पे लगा लें। और दूसरे नंबर पे ये देखें इसको ऑल टू ऑल ये लॉक नट लगते हैं, इसको एक दफा हम क्रश कर देंगे ना तो ये लॉक हो जाएगा इसके ऊपर चढ़ के, ये लूज नहीं होने वाला अपने आप, और एक भी फाला आपका खुल के नहीं घूमेगा। रोटावेटर में सबसे ज्यादा कंप्लेन है कि इनके फाले बड़े खुल के घूमते हैं, और जब इसका ये बोल्ट जो मूव करता है ना अंदर वो इसकी ये प्लेट को खराब कर देता है, सुराख को खराब कर देता है। उसकी वजह से हमने ये लगवाई है कि जिम्मेदार को प्रॉब्लम ना हो, स्टैंड खुल के नहीं घूमेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉफर जो थी ना वो खुल के गिर जाती थी, उसके लिए लॉक काबले लगा दिए हैं, और उसके बाद ट्रैक्टर की जो शॉफट थी ना वो भी गिर जाती थी पीछे से, उसके लिए हमने ये पैकिंग दे दी है ट्रैक्टर से उतार के इसके अंदर जैसे वो लगी हुई है। बाकी जी ये चार रोटावेटर यहाँ पर मौजूद और इसका एक ये एडिशन किया हमने, ये पीछे से ना यहाँ से थोड़ा सा बन्ना मिट्टी का छोड़ देता था जी। तो हमने ये देखे एक्स्ट्रा एक पीस लगा दिया है, ठीक है। जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आती गई है ना तो हम इसका काम करते गए, सेफ गार्ड लगा दिए हैं इसको कोई हिट ना हो, ठीक है जी। ये इसी साइड बड़ा जबरदस्त रोटावेटर जो है वो तैयार हुआ है और बड़ी अच्छी सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे लगाते हैं आम रोटावेटर को संगलियाँ चैन लगाते हैं, लेकिन हमने ये स्प्रिंग लगा दिए हैं। स्प्रिंग जो है ना ये कॉम्पैक्ट करते हैं मिट्टी को बहुत अच्छी तरह, ठीक हो गया जी। अच्छा बाकी ये सारे सेम मॉडल हैं या सेम मॉडल, मतलब नंबर ऑफ फाले का जो है ना नंबर ऑफ टाइन का फर्क पड़ेगा छः छः का एक प्लेट के साथ, वरना हर एक की स्पेसिफिकेशन हमने सेम रखी हुई है। ये नहीं किया कि 60 वाले को बेहतर बनाना है वो बड़ा है, नहीं 36 वाला 30 वाला सेम सेम। सर प्राइस का कोई आइडिया दे दें, अगर आज इस वक्त क्या प्राइस चल रही है सर इसकी? इस टाइम तो प्राइस जो है ना वो 4,10,000 है 60 वाले की जी। लेकिन फ्लक्चुएशन डॉलर की होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो फर्क पड़ता रहता है। तो बाकी जो 54 है वो कम है? वो कम है। वो कितना फर्क आता है? इनका 25,000 का फर्क आ जाता है। ये फ्रंट ब्लेड का फोटेशन पड़ा हुआ है जी, फ्रंट ब्लेड है। ये फ्रंट लोडर का पड़ा हुआ है, एग्री लोडर है ये। ये राजा हल है, एमबी ब्लो इसको कहते हैं जी। ये जमीन जो है वो नई ऊपर लेके आती है, पुरानी नीचे लेके जाती है, ठीक हो गया जी। बाकी डिस्प्लो है जी? ये डिस्प्लो है, इसका सेम फीचर है, ये ट्रैक्टर का जोर लगवाती है जिसकी वजह से ना अब इसकी वो जो है यूज कम है। ये जो है ना ये नई टेक्नोलॉजी है, ये जैसे लोडर ट्रेलर पीछे घूम पड़ता है ना टायरों की मदद से, ऐसे ये तवे इसके वर्क करते हैं, वो मिट्टी में एक दफ़ा रोटेट करके तो ये फिर इजीली पीछे घूमता जाता है और ज़मीन का जो है ना वो पलटाता रहता है, नई वाली ऊपर और पुराने वाली नीचे, यानी लोड काम लेता है और काम वही करता है। हाँ जी, ये डबल वाला है, सही, दोनों साइड पे मूव कर लेता है। ये सिंगल वाला है, सही, इसकी मूवमेंट सिंगल साइड पे है, ठीक है, उसकी दोनों साइडों पे। ये जिप क्रेन है, जिप क्रेन है जी। ये लैंगो के साथ अटैच करके इसकी मदद से हम कोई भी ट्रैक्टर की कैपेसिटी के हिसाब से ना जी, कोई भी चीज उठा सकते हैं इजीली, ठीक हो गया जी। बाकी ये वर्मे वगैरह पोस्ट होल डिगर, डिगर है जी, ये डिगर है जी। इसके साथ हम दो जो है वो डिगर दे रहे हैं, एक 9 इंच वाला जी और एक 18 इंच वाला, सही। और ये इसका गेयर बॉक्स है, ये इसका पैनल है, वो इसकी शाफट पड़ी हुई है, ठीक हो गया जी। और ये दरख्त लगाने के काम आता है, पौधे लगाने के काम आता है जी, बाउंड्री वाल करने के काम आता है, सही। इससे तरह तरह के काम ले लेते हैं, बड़े दरख्त भी लगा लेते हैं और पोल भी लगाते हैं, खंबे भी लगाते हैं इसके साथ। बाकी जी इधर आ गई हुक ट्रैक्टर की, तो नीचे वेट है जी, बैक और फ्रंट वेट है ट्रैक्टर के। ये वजन के हिसाब से इनकी प्राइस है या वैसे फिक्स प्राइस? वजन के हिसाब से। तो इस वक्त क्या चल रहा है जी पर केजी? इसका तकरीबन 360 पर केजी, 360 पर केजी का हुक, यानी ये तो पर पीस का हिसाब होता है जी जी। पीएड की भी है और मैसी की भी है। पीछे हाल है जी, ये कौन सी हाल है जी? ये एमबी ब्लो डबल एक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया ना उसका सिंगल मूवमेंट है, उसका भी सिंगल है। फिर अगर इसकी दोनों साइडों पे अगर मूवमेंट करनी है ना
तो फिर ये जैक लगा हुआ है, जैक की मदद से हम इसको रोटेट करवा लेंगे, इसके ऊपर वाले पर नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जी दूसरी साइड पर हो जाता है, ये जी आप देख सकते हैं इस तरफ आ जाए, ये है जी राइस पुडलर। तो ये आप देख सकते हैं इनका, ये रोटावेटर का एक जगह पे अल्टरनेटिव है थोड़ा सा, मतलब अगर आप जमीन तैयार करके पानी छोड़ देते हैं ना, तो कद्दू में जो रोटावेटर जोर लेता है ना, ये उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड किया है। ये पीछे रोटावेटर का काम देता है, आगे इसके ब्लेड हैं और पीछे उसका वही इसका बैग जो बेड आ जाता है, ठीक है, वो लेवल करता आता है, सुहागे का काम करता है, सुहागे का काम करता है। और ये जो है ये फाले का काम करता है, ये देखे ना इसकी मूवमेंट मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी, ये देखे जो चीज़ हाथ से आराम से मूव हो रही है, फिर वो ट्रैक्टर के साथ देखें आप इसका रोटेशन क्या होगा, छोटा ट्रैक्टर भी इसको आराम से चला सकता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जी वही डिस्कें आ गई हैं, ये बॉर्डर डिस्क है जी, ये बन्ना बनाने के काम आती है। ठीक हो गया जी। और ये जी रेजर, ये चेजल है, ये जमीन को फाड़ने के काम आता है जी। ये ज़्यादा इसको जिम्मेदार समझ सकता है कि मुझे किसके लिए इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा ये जो राइस पुलर है इसकी प्राइस इस वक्त क्या चल रही है? इस टाइम इसकी सर 235,000 रुपया, 235,000 रुपया जी। और जो बॉर्डर डिस्क है, ये बॉर्डर डिस्क जो है ये 1,20,000 की है, ये 1,00,000 रुपये का है। ये जोर बड़ा लेता है ट्रैक्टर का, वो हम बताया ना कि डिस्कें घूम पड़ती हैं, वो अपना काम बखूबी कर लेती हैं, लेकिन ये जो है ना ये ट्रैक्टर का जोर बड़ा लेता है, जोर लेता है। लेकिन उसकी प्रिपरेशन आती है बार बार एयरिंग्स की, साइज की, जिसकी वजह से ना उसको लेना पसंद नहीं करते, वरना उसका इशू कोई नहीं है। लोग बस ऐसे ही वो ग्रीस ना करने की वजह से के काम थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है जी। ट्रैक्टर का जोर रखवा लेंगे, डीजल ज़्यादा लगा लेंगे, लेकिन काम उसका जी जी जो है ना वो ना करना पड़े। बाकी हनीफ की हाल है जी, ये हनीफ फार्म इंडस्ट्री की, तो ये बड़ी इस्तेमाल हो रही है और बड़ी पॉपुलर है। तो हाल के बारे में बता दें कि कौन कौन से साइज आपके पास है? ये भजन उसका नाम क्या है, 9 में है जी, 11 में है, 13 में है, 15 में है, 17 में है। सही। तो इस वक्त प्राइस हल्लों की क्या चल रही है जी? इस वक्त इसकी 9 वाले की प्राइस चल रही है 1,95,000 जी, और 11 की चल रही है 2,25 जी, और इस तरह ही फर्क पड़ता जाएगा 30-30,000 का। ठीक हो गया जी। आगे आगे है जी डिस्क है, ये लाइट वेट डिस्क एरो है, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाई है नई टेक्नोलॉजी। जैसे लोगों को ना एरिया कवर्ड ज़्यादा चाहिए जरखेज का, तो ये जो है ना वो लेके जाते थे ये सोसाइटी वाले जी, अपना प्लॉट बेहतर करने के लिए, उसकी लुकिंग अच्छी हो जैसे कटिंग हुई हो, तो वो अब ये काम इससे ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने फसल तो लगानी नहीं जी, तो फिर उसके लिए ना वो उनको बड़ी कास्टली पड़ जाती थी जी, तो जिसकी वजह से ना ये लाइट वेट लैंकों के साथ ही उठाई और जाके लगाई और अपना काम किया। वो ये ज़राई भी कर सकती है कमर्शियल? हाँ जी, हाँ जी, दोनों काम है। तो बाकी जिम्मेदारों के लिए ये डिस्क है जी, और बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। सर ये कितने तवे वाली है? ये 18 तवे वाली है, 18 तवे डिस्क है। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी 6,20,000 है, और ये आपके सामने है कि फाइनल क्वालिटी है, क्वालिटी आप अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ फार्म की बिल्कुल जी समझते हैं, सफाई के साथ काम हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, अच्छी चीज़ लगा कर दी है। और ऐसे टायर कोई नहीं डिस्कों को डालता। टायर कौन से है जी? ये सर जी ये मेड इन तुर्की टायर है, जैसा 240 को हम सीधा प्लेन टायर डालते हैं ना जी जी, ऐसा ये तुर्की और इंडिया में ऐसा डिज़ाइन यूज़ होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ना कि गुड लुकिंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमने ये टायर डाले हैं। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छी डिस्क जो तैयार हुई है। और बाकी जी इसको टायर उठाने का सिस्टम कैसा है? बिल्कुल आसान है जी टायर डालने का जी जी। ये जो पीछे स्कंजा लगा हुआ है ना सर जी, जी ये वाला, इसको ऐसे पीछे मूव कराएंगे जी, इसके ऊपर ये जो हाल है ना ये खड़ी हो जाएगी। सही। खड़ी होने के बाद ना इसकी टायरों की जो एडजस्टमेंट है ना वो बड़ी इजीली हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। इसकी प्राइस आपने 6,00,000? हाँ जी, इसकी प्राइस 6,20,000। ठीक हो गया जी। बाकी ये इधर आ गया जी वही डिस्क प्लो, ये बेलदन स्टाइल है बलदान जी। इसको हम फिश स्टाइल भी बोलते हैं जी। आप इसको इधर आके देखेंगे ना तो सर ये ऐसे लगेगा जैसे मछली है, ये जैसे व्हील का कोहान निकला होता है। सही। इसलिए हम इसको फिश स्टाइल बोलते हैं और ये सूडान में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी। तो ये डिस्क प्लो ही है सेम
सेम टू सेम, लेकिन कुछ लोग इस डिज़ाइन को लाइक करते हैं, कुछ उसको करते हैं। ये ज़्यादा बाहर जाती है, बाहर सूडान, सूडान में ये ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान में लेना चाहता है तो क्या प्राइस का आइडिया जी कोई? ये सर जी 260,000, क्योंकि ये वज़न में ना उससे ज़्यादा चली जाती है, एक्यूरेसी में उससे ज़्यादा चली जाती है। और इसका ये देख रहे हैं हाब का स्पेसिफिकेशन कैसा है, थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है जी जी, इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है ना अप है। और इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल है जी, तो जिसकी वजह से ना इसका रेट कम है और ये वजन में भी ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो छोटे ट्रैक्टर है वो कौन सी चला सकते हैं, क्योंकि ये काम छोटा ट्रैक्टर हमारा ना तीन तीन वाली आराम से चला सकता है, 260 वाला ट्रैक्टर तीन वाली आराम से चला सकता है। 85 जो है वो चार वाली भी चलाते हैं लोग, पाँच वाली भी चलाते हैं, इससे सड़कें भी तोड़ते हैं सोसाइटी वाले ना, सड़कें भी तोड़ते हैं कि हमने नई सड़क बनानी है, तो मशीनरी उनकी वो जो दूसरी है मशीन वो महंगी होती है, तो ट्रैक्टर के साथ ये काम कर लेते हैं, ये बड़ी आसानी से सड़कें तोड़ लेती है। ठीक हो गया जी। बाकी इधर आ गई है जी फिर चार तवे वाली। अच्छा, पीछे जो लगा होता है तवा, ये ज़रूरी होता है? ये कंट्रोल करता है इसको पीछे से ना, इसकी मूवमेंट को जी, नहीं तो ये फिर ना ये जिधर को चली जाए ना ये उधर को ही घूम जाती है, फिर ज़मीन का लेवल ख़राब कर देती है, टेढ़ी हो जाती है। पाकिस्तान में भी ये सिंध के इलाकों में चलती है, यहाँ पे गन्ने का काम होता है ना, डेरा गाजी खान में, डेरा गाजी खान में भी चलती, डेरा इस्माइल में जी जी, ये हमारे केपे की में इस्तेमाल होती है, लेकिन पंजाब में, जनूबी पंजाब में होती है। अच्छा सर, अगर किसी ने रब्ता करना है, कोई चीज़ लेनी है या कोई और चीज़ लेनी है, तो इसके अलावा जो यहाँ पर नहीं दस्तियाब है, तो नंबर अपना बता दें और एड्रेस बता दें। मेरा नंबर है जी 0321-4475 400475। तो ये हनीफाम के नाम से ये हमारा शोरूम है जी। तो एक हमारा आगे है मिल्लत के बिल्कुल सामने UBL बैंक के साथ, एक हमारी फैक्ट्री है बेगमकोट चौक से बारादरी रोड पर। ठीक हो गया जी। बाकी ये भी रावी जो ट्रैक्टर शोरूम है उसके बिल्कुल साथ ही ये शोरूम ओपन हुआ है। तो ये कितने दिन हो गए जी ओपन हुआ है तकरीबन? ये सर जी वहाँ पे हमारे पास ना शोरूम में जगह कम थी तो हमें ज़रूरत थी इस शोरूम की भी जी जी, तो तकरीबन हमें ये 2 हफ्ते हुए हैं इसको ओपन किए हुए इस जगह को। ठीक हो गया जी। अभी नया ही ओपन हुआ है। हाँ जी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपने साफ़ सुथरा शोरूम बनाया है और अच्छी जगह पर यह चीज़ें रखी हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।